आदरणीय सीता सरण जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद, आदरणीय प्रभात जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित विधायक साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, मेरे किसान बहनों भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मध्य प्रदेश में 13 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 11.5 साल से मैं मुख्यमंत्री हूँ। इन 11.5 सालों में मेरी हर एक सांस चली है तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए चली है, प्रदेश के विकास के लिए चली है। समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, माताएं हो, बहनें हो, एक तरफ हमारा लक्ष्य रहा है प्रदेश का विकास और दूसरी तरफ हमारा लक्ष्य रहा है जनता का कल्याण। अलग अलग क्षेत्रों की एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई गई, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार बनने के समय से एक सबसे बड़ी प्राथमिकता रही और वो प्राथमिकता थी खेती किसानी, हमारे किसान भाई और बहन। 65% से ज्यादा आबादी हमारी आज भी खेती पर निर्भर है। अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो बिना किसान के आगे बढ़ नहीं सकता। खेती लाभ का धंधा बने इसके प्रयास किए गए और ये चर्चा मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, मैं मुख्यमंत्री बना, 7.5 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई होती थी, आज सिंध जमीन का रकबा है 40 लाख हेक्टर। मेरे बहनों और भाइयों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा हर खेत को पानी, सैकड़ों सिंचाई की योजनाएं पूरी, नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में आया, गंभीर मलाने का काम कर रहा है, काली सिंध में, पार्वती में, यह मालवा जो रेगिस्तान बनने की दिशा में बढ़ रहा था, और नर्मदा जी का जल ले जाके हमने तय किया कि मालवा किसी भी कीमत पर रेगिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग अंचल से हिस्सों से किसान सिंचाई की व्यवस्था की मांग करते थे, जहां जैसे हुई अलग अलग सिंचाई की योजनाएं गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, पानी पहुंचाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है किसान के खेतों में पानी पहुंचाना। हमने तय किया, प्रदेश में सरकार ने तय किया 18% ब्याज का कर्जा घटा के हमने किया 0%, और शायद दुनिया में कहीं नहीं होता, मध्य प्रदेश की धरती में होता है कि 1 लाख ले जाओ खाने के लिए और 90,000 दे जाओ, बाकी सरकार अपने खजाने से वापस कर पाई। -10% ब्याज पर कर्जा देने का चमत्कार भी हुआ अपने मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ। अच्छे बीजों की उपलब्धता, बिजली नहीं मिलती थी पर आपकी बिजली की उपलब्धता, 31,000 रुपया 5 हॉर्स पावर की बिजली का बिल आता है, किसान से केवल 7,000 रुपया लिया जाता है, बाकी सरकार करती है। जब एक नहीं अनेकों फैसले लगातार किसानों के हित में किए गए, मेरे किसान भाइयों ये मैं हूं, जब जब संकट की घड़ी आई, भगवान ना करे कभी आए,
ओला इन्नी सूखा पाला, मैं कभी मुख्यमंत्री निवास पर नहीं बैठा, निकल के किसान के खेतों में गया, फसलें देखी, दर्द समझा। और पुरानी सरकारों में या ऊंट के मुंह में जिए जितनी राहत की राशि मिलती थी, कई गुना ज्यादा बढ़ा के किसान को पर्याप्त राहत की राशि देने की हमने कोशिश की है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के चार मंत्र हमारे रहे। उत्पादन की लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाना, ठीक दाम मिले इसका इंतजाम करना, खेती का विविधीकरण और नुकसान हो जाए तो भरपाई करने की कोशिश करना। पांचों दिशाओं में काम किया। और इसलिए किसान बहनों और भाइयों, गवाह है आप, अकेले पिछले साल जब सोयाबीन की फसल नष्ट हुई थी, 4,800 करोड़ रुपए की राहत राशि मध्य प्रदेश के किसानों को बांटी थी, तो इसी सरकार से बांटी थी 4,800 करोड़ रुपया राहत की राशि बची, 4,400 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का आया। और मैं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा। खेती को किसानों की आय को दुगना करने का मूल मंत्र उन्होंने लिया है, बढ़ाने की कोशिश हो रही है, नई फसल बीमा योजना आई है जो नुकसान की भरपाई करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी खेती को फायदे का धंधा बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसान भाइयों, आप जानते होंगे पिछले साल प्याज के दाम गिर गए थे, तब मैंने तय किया कि किसान का प्याज 6 रुपया प्रति किलो खरीदा जाएगा। तब कोई मांग नहीं थी, मुझे लगा मिट्टी के मोल प्याज नहीं जाने दूंगा। मुझे उस समय कई लोगों ने कहा आप करोगे नहीं, कि प्याज का करोगे क्या, ये प्याज तो बिक जाएगी। मैंने कहा फेंकेगा तो किसान नहीं फेंकेगा, किसान की खरीद के शिवराज सिंह चौहान फेंकेगा, उनकी मेहनत प्याज को नहीं दी जाने दी जाएगी। 1,80,000 टन प्याज पिछले साल हमने खरीदा, और आज भी मैं कह रहा हूँ उत्पादन बम्पर हुआ है, ये हमारी बड़ी सफलता है। उत्पादन बम्पर हुआ है, गेहूं की फसल, धान की फसल, सोयाबीन की फसल, आलू की फसल, प्याज की फसल, अलग अलग फसल, बहुत अच्छी क्राप आई है, बम्पर क्राप। अन्न के भंडार भर गए बहनों और भाई, अन्न के भंडार भरे। लेकिन मैं जानता हूँ इसके साथ ही जब उत्पादन बम्पर होता है तो कीमत गिरती है, और कीमत गिरती है तो तकलीफ किसान के सीने में होती है। दिन और रात मेहनत करता है, फूल मसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है, दिन और रात मेहनत करता है, फूल मसीना एक करता है, और जब पूरा नाम नहीं मिलता तो किसान का जी जलना स्वाभाविक है। मेरे बहनों और भाइयों, किसान के मन में तकलीफ होना स्वाभाविक है, मैं किसान की तकलीफ को समझता हूँ। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमने सरकार कुछ फैसले किए, हमने फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया कि प्याज उत्पादन करने वाले किसानों, घबराना मत, पूरा प्याज 8 रुपया किलो खरीदा जाएगा। मंडियों में खरीदारी है, कल तक 1,000 क्विंटल प्याज खरीद ली गई है। और मैं फिर किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि एक एक प्याज खरीदा जाएगा, चिंता मत करना। तुमने मेहनत से पैदा किया है, तुमने परिश्रम से पैदा किया है, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी मेहनत केवल किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने दी जाएगी। प्याज आपका पूरा खरीदा जाएगा। अभी अभी हमने फैसला किया, प्याज की खरीद चालू हो गई। किसानों की और समस्या आई है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हमने तेजी से कदम आगे बढ़ाए। मुझे बताया किसान भाइयों ने कि तुअर का बम्पर उत्पादन हुआ है, तुअर के रेट कम हो गए। किसान भाइयों, आज शिवराज सिंह चौहान पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कह रहा है, 10 जून से फिर तुअर खरीदूंगा, 5,050 रुपया क्विंटल खरीदूंगा। बाजार में बिक रही है 3,500 रुपया क्विंटल, 4,000 रुपया क्विंटल से कम है। मुझे कहा कई लोगों ने, अफसरों ने भी, कि 1,500 2,000 रुपया क्विंटल लगेंगे,
मिर्चा लगे तो लग जाए, किसान के पसीने को बेकार नहीं जाने दूंगा। अपना घर पर किसानों के हित को घर पर मैंने घर पर किया है। किसान भाइयों ये नारे अभी नहीं लगाए बीच में, मैंने घर पर किया है। किसान भाइयों मूंग वर्षा का ग्रीष्मकालीन मूंग तीसरी फसल यार खुशी होती है एक तरह। मुझे किसानों ने कहा हमारे मंत्री साथिया बैठे कि साहब आप -10% ब्याज पर कर्जा देते हो, लेकिन कर्जा खरीफ की फसल के लिए अलग और रबी की फसल के लिए अलग दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। कई दिनों से परंपरा ये रही है कि दो हिस्सों में मत बांटो, किसान पैसा जमा कर दे फिर से पैसा उसको वापस दे दो, रबी में लगाए चाहे खरीफ में लगाए। हमने फैसला कर दिया है किसान भाइयों जो चाहेंगे कि एक बार में ही दोनों फसल का कर्जा लेना है तो एक बार में ही दोनों फसल का कर्ज दे दिया जाएगा। अगर कोई चाहेगा कि नहीं रबी और खरीफ में अलग अलग चाहिए तो हम अलग अलग उनको देंगे, जो चाहेंगे एक साथ चाहिए उनको एक साथ ही दिया जाएगा, ताकि उनके आवश्यकता के हिसाब से वो उस पैसे का ढंग से इस्तेमाल कर सके, ढंग से उपयोग कर सके। एक बात आई चेक से पेमेंट की, ये चेक का पेमेंट के बाद व्यापारियों ने चेक दिया, किसान चेक लेकर घूमता रहा, चेक कई दिन तक नहीं भुना। ये किसान की वास्तविक समस्या थी। जरूरत आज है, पैसा नहीं मिल रहा, किसान कहां जाएगा। हमने फैसला कर दिया कि जितना कैश उपलब्ध होगा कैश और नहीं तो चेक नहीं, RTGS से किसान को भुगतान किया जाएगा, ताकि 24 घंटे के अंदर किसान की जेब में उसका पैसा पहुंच जाए। मैं जानता हूं कि व्यवहारिक दिक्कतें थी, ये व्यवहारिक तकलीफें थी, ये व्यवहारिक अड़चने थी, ऐसी जितनी भी व्यवहारिक अड़चने एक मैंने फैसला किया है, मैं आप सबको भी बताना चाहता हूं। और वो फैसला ये है कि बार बार फसलों के दाम गिरते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरे प्रदेश के किसान ध्यान से सुन ले, किसानों को लाभकारी मूल्य देना मध्य प्रदेश की धरती पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब लाभकारी मूल्य देंगे कैसे, एक तरीका भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, उस समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। दूसरा तरीका मध्य प्रदेश का मैंने फैसला किया है, सरकार ने फैसला किया है, हम लागत कितनी आती है ये तय करने के लिए एक प्रदेश का आयोग भी बना रहे हैं, जो लागत तय करेगा आलू पैदा करने में, प्याज पैदा करने में, संतरा पैदा करने में, दूसरी फसल पैदा करने में लागत कितनी आती है ये लागत एक आयोग तय करेगा, और उस लागत पर लाभकारी मूल्य किसान को देना सुनिश्चित किया जाएगा। और इसलिए मैंने वो आयोग बनाने का फैसला किया है, उसके साथ साथ हमने यह तय किया है मूल्य स्थिरीकरण आयोग बनाएंगे। इसका मतलब क्या है मूल्य स्थिरीकरण आयोग का, अरे भैया प्याज के दाम गिर गए, आप प्याज खरीदना है लाभकारी मूल्य देना है तो मेरे पास इतना पैसा तो हो कि मैं उसमें से तत्काल निकाल के ऐसी व्यवस्था कर दूं कि प्याज खरीद लिया जाए। और इसलिए 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया जा रहा है। किसान भाइयों साफ सुन लो, उचित मूल्य देने के लिए इस मूल्य स्थिरीकरण कोष से पैसा दिया जाएगा। कोई कहेगी 1000 करोड़ से ज्यादा लागत आई तो जितनी भी जरूरत होगी उतनी राशि मूल्य स्थिरीकरण कोष में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ताकि हम ठीक दाम चीजों के किसान के दे सके। एक बड़ी समस्या है और वो समस्या भी जाए मंडी में जाए तो 8% लग जाए, एक बड़ी विसंगति है। हम सबको उसको विचार करना पड़ेगा। किसान बैठता है सस्ता मिलता है, उपभोक्ता को मिलता है महंगा मिलता है, यहाँ प्याज
दो रुपया किलो, और जब उपभोक्ता तक पहुंच जाए तो कई गुना ज्यादा कीमत पड़ जाए। किसान की चीज सस्ती, उपभोक्ता को मिले महंगी, बीच में बिचौलिए लाभ उठाए, मेरी कोशिश रहेगी कि जो 8% ऑर्डर वाला मामला है उसको घटा करने, तत्काल प्रभाव से 2% करने का व्यवस्था चाहिए, इसके बाद बिचौलिए लाभ नहीं उठाएंगे, ये सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि मैं जानता हूं एक मार्जिन की जरूरत है, लेकिन उस मार्जिन से ज्यादा पैसा अगर जाए किसान की जेब में जाना चाहिए, और भविष्य के लिए भी, भविष्य के लिए भी हम ये तय करेंगे। नारे नारे मत लगा भैया, भविष्य के लिए भी हम ये तय करेंगे कि उपभोक्ता और किसान के बीच में कोई बिचौलिया ना रहे, ताकि किसान सीधे उपभोक्ता तक अपना माल पहुंचा पाए। इस व्यवस्था को, इस मैकेनिज्म को पूरी गंभीरता के साथ बनाया जाएगा, ताकि किसान को उसके पसीने के ठीक दाम मिल पाए। जो जो चीजें हो सकती है, अभी एक बात आई उस पर भी मैं विचार कर रहा हूँ, 0% ब्याज के कर्जे से 6 लाख किसान वंचित है, क्योंकि वो डिफॉल्टर हो रहे हैं, उनकी समस्या पर हम विचार कर रहे हैं, और उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको 0% ब्याज के नेट में शामिल करने की मैं योजना बना रहा हूँ, कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। उस पर हम पर काम कर रहे हैं, किसान का दरबार का दरबार की ठोकर नहीं खाने देंगे। किसान के साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, मध्य प्रदेश की सरकार खड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। किसान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पूरे संकल्प के साथ कहना चाहता हूँ, वचनबद्धता के साथ कहना चाहता हूँ, आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर ये सरकार खड़ी है। शिवराज सिंह चौहान खड़ा है, हर दर्द में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में हम आपके साथ है। किसान बहनों और भाइयों, मैं मानता हूँ समस्या आती है, लेकिन कुछ लोगों ने समाधान का जो तरीका निकाला, सर एक बार विचार करो मेरे बहनों और भाइयों, क्या वो तरीका ठीक तरीका था? मैं किसान आंदोलन और किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आंदोलन चला, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आओ चर्चा के लिए, आओ चर्चा के लिए, बात सुने, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बनाया गया और जो तरीका अपनाया गया वो तरीका ऐसा था जिसका मन को बड़ी तकलीफ पहुंचाई, प्रदेश की जनता को भी तकलीफ हुई। आंदोलन तब जायज है जब कोई बात ना करे, सरकार ना सुने, जब मुख्यमंत्री बाहें फैला के चलाए, आइए बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चर्चा करके जो समाधान निकल सकता है वो समाधान निकालेंगे, कोई पीछे हटने का सवाल नहीं है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, पिछले दिनों जो कुछ घटना हुई है, मन दर्द से भर गया, मन पीड़ा से भर गया, मन तकलीफ से भर गया। किसान आंदोलन का स्वागत है, कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, मेरा एक वीडियो क्लिपिंग चलाई गई, पता नहीं कहां से काट पीट के, और उसमें यह चलाया गया किसानों को भड़काने के लिए कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ढेला नहीं दूंगा ढेला। मैंने किसानों को कब इनकार किया? हाँ, एक बात जरूर है, जब ग्रामोदय अभियान के दौरान कुछ कर्मचारी मित्रों ने आंदोलन किया, तो मैंने कहा ग्रामोदय अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, इस अभियान में हम जनता की, किसानों की समस्याओं का समाधान करने निकले हैं, इस समय हड़ताल मत करो, इस समय हड़ताल करोगे तो हड़ताल करके कुछ नहीं मिलेगा, ढेला नहीं मिलेगा, आओ बातचीत करने के लिए आओ। वो वहां की बात कल मैंने एबीपी न्यूज में देखी, दिखाया जा रहा था, शिवराज सिंह चौहान ने कहा ढेला नहीं देंगे, उनका दोस्त नहीं है, किसी ने दिया होगा क्लिपिंग। मैंने किसानों के लिए कभी नहीं कहा कि ढेला नहीं देंगे, अरे ढेले की बात क्या है, किसान को तो जिंदगी दे देंगे, जान दे देंगे, किसानों की जनता किसानों की, लेकिन भगाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा ढेला नहीं देंगे, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा लगा लगू के क्लिपिंग बना दी, मामला भड़काने के जैसी साजिश से हुई है। बहनों भाइयों, तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, मैं किसी को गाली नहीं देना चाहता, लेकिन थाने में आग लगा दो, पुलिस की गाड़ी जला दो,
का ये आंदोलन का तरीका है। कौन कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं ये, एक स्थान प्रदेश में क्यों आग लगाने की कोशिश हो रही है। मेरे बहनों और भाइयों, जगह जगह जो स्वरूप आंदोलन को दिया गया, बच्चों के हाथों में मच्छर थमा दिए गए। मेरे बहनों और भाइयों, मन वेदना से भर जाता है। ये पुलिस काय के लिए, पुलिस है जनता की सुरक्षा के लिए, पुलिस है डकैतों के लिए, पुलिस है चोरों के लिए, पुलिस है अपराधियों के लिए। शिवराज सिंह चौहान ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता कि पुलिस के डंडे जनता की तरफ उठ जाए। मेरे मन में बेहद पीड़ा हुई है बहनों और भाइयों, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई मंदसौर जिले में, ये अंदर तक हिल गया। मेरे बहनों और भाइयों, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन किसानों की जान गई है, जिन बेटों की जान गई है, वो हमारे अपने, उनके परिवार भी हमारे अपने। बेहद अफसोस, बेहद तकलीफ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उन परिवारों के हम साथ खड़े, हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिनकी भक्त परिवारों के साथ खड़े रहेंगे, मैं उन बच्चों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन मैं ऐसी परिस्थिति पैदा करने वालों से कहना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी इस सीमा तक जाने की बहनों और भाई? ये मंदसौर की घटना की भी पूरी उच्च स्तरीय जांच होगी। इस घटना के पीछे कौन कौन है, इस घटना के पीछे क्या क्या है, ये तथ्य सामने आना चाहिए, ये सच सामने आना चाहिए। भड़कीले बयान देके आग लगा दो, निकल आओ, पत्थर बरसा दो, किसको फायदा होगा? अरे मेरे बहनों और भाइयों, ये बच्चों के हाथ अगर आज पत्थर चलाना सीख गए, ये शांत प्रदेश हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। रे, ये शांत प्रदेश हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। मत करो इसकी शांति के साथ खिलवाड़, मत धकेलो किसे हिंसा की आग में मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए लोगों को लगता है, कई लोगों ने आलोचना की होगी, कई लोगों ने सोचा होगा, मुख्यमंत्री उपवास पे क्यों बैठ रहा हूँ? हाँ बैठ रहा हूँ, मन में पीड़ा इससे बैठ रहा हूँ, मन में दर्द इसलिए बैठ रहा हूँ, जनता की तकलीफ मैं अपनी तकलीफ मानता हूँ, और इससे जो परिस्थितियां पैदा हुई है, मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को तकलीफ दूंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती, मैं पानी के अलावा दूसरी चीज नहीं लूंगा बहनों और भाइयों। और जब शांति बहाली हो जाएगी, तभी यहाँ से उठूंगा, उसके पहले हिलने का सवाल नहीं है। इस प्रदेश को अशांत नहीं होने देना, इस प्रदेश को अशांत नहीं होने देना। और तो मैंने तय किया, बल्लभ भवन में नहीं, बंगले में नहीं, मैं जाऊंगा मैदान में। आए किसान भाई, आए अलग अलग संगठन, चर्चा के लिए हम तैयार हैं, चर्चा के लिए द्वार खुले, जिन समस्याओं का समाधान हो सकता है उनका समाधान किया जाएगा, उनसे मौनी मोड़ा जाएगा। और इसलिए आज बुला रहा हूँ चर्चा के लिए, बातचीत के लिए स्वागत है। अध्यक्ष जी ने बताया है, प्रशासनिक अधिकारियां बैठे, क्योंकि ऑफिशियली मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। ये धरना नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये उपवास है। उपवास, और उपवास रखते हुए रूटीन के रोज सारे काम संपादित करूंगा। इसी मैदान में कक्ष मिला बनाए, यहाँ किसान प्रतिनिधिमंडल से चर्चा होगी, हजारों की सैकड़ों की संख्या में चर्चा नहीं हो सकती, तो प्रतिनिधिमंडल में पांच पांच सदस्य होंगे जो तय करेंगे। मैं किसानों से यहाँ चर्चा करूंगा, यही मेरी बैठकें होंगी, अलग अलग फैसले सरकार के यहीं से होंगे, यहीं से प्रदेश की स्थिति पर पूरी नजर रखूंगा। पूरा काम काज करते हुए मंत्रिमंडल यहाँ उपवास करेगा, ताकि हम पूरी जनता को शांति का पैगाम दे सके, शांति का संदेश दे सके। अरे कितना नुकसान हुआ है सोचो तो, कितना नुकसान हुआ है, 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, उनमें से 6 गंभीर रूप से घायल है। कितनी बसें जली है, एम्बुलेंस जला दी गई, बस जला दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। किसकी है संपत्ति? क्या शिवराज सिंह चौहान की जेब की संपत्ति है? एम्बुलेंस अगर चलती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति है व्यक्तिगत रूप से? बसें अगर चलती है तो बसें किसकी है? सरकारी संपत्ति में आग लगाई जाती है तो सरकारी संपत्ति किसकी है? मेरे बहनों और भाइयों, ये अपनी है रे, ये जनता की है, ये जनता की संपत्ति। जलाने वाले काम को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? 197 प्राइवेट वाहन और बसें जलाई गई, 127 शासकीय वाहन जलाए गए,
ये कौन के सास की बहन थे कोई बता तो दो रे, ये जनता की संपत्ति थी और आंदोलन सफल हो इसके लिए जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई। कोई दूध लेके आया है, दूध बहा दिया गया और वो भी दूध किसान का था, वो भी कोई गरीब लेके आया था। कोई सब्जी लेके आया, उसकी सब्जी उठा कर फेंक दी गई, खुद की नहीं फेंकी, दूसरे की सब्जियां फेंकी जा रही, दूसरे का दूध बहाया जा रहा है, दूसरे का सामान तोड़ा जा रहा है। कौन इस आंदोलन को, ऐसे आंदोलन को कौन गाय ठहराएगा? दूध जैसी चीज जिसको माथे पे लगा के हम प्रणाम करते हैं, वो सड़कों पर फेंकना कैसे, नाली में फेंकना कैसे जाय ठहराया जा सकता है? वो गरीब भाई बहन जिनकी रोज की रोजी रोटी, रोज सामान पहन के चलती है, क्या वो मध्य प्रदेश की जनता नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनके बच्चों को भूख नहीं लगती? क्या वो अरबों की संपत्ति के मालिक है? उनको तबाह करके, उनको बर्बाद करके क्या होगा रे मेरे बहनों और भाइयों? और क्या होगा, बसों से उतार उतार के महिलाएं बच्चे बेटियां चीख रही है और पेट्रोल डाल के बस में आग लगाई जा रही है, क्या इसको इजाजत दी जाएगी? क्या सभ्य समाज के लोग ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? क्या ऐसा बर्ताव कर सकते हैं? महिलाएं चीखें, बच्चे चीखें, मेरे बहनों और भाइयों ये कैसे सहन किया जा सकता है? मैं सहन नहीं कर सकता मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि मैंने कल भी कहा था मैं इंसान हूँ, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है और इसलिए अगर कोई डंडा डंडा की तरफ उठता है वो मेरी पीठ पर पड़ता है, ये मुझे लगता है ये स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस और जनता के सामने हो ये बर्दाश्त के बाहर है और इसलिए मुझे लगा केवल लाइन डॉक्टर नहीं, हाँ जनता की सुरक्षा देखेंगे, वो ड्यूटी हमारी, वो कर्तव्य हमारे, स्थिति सामान रहे, बहाल सामान स्थिति बनी रहे, शांति बहाल करे, ये मेरी ड्यूटी है। राजधर्म है, मैं राजधर्म का पालन करूंगा, लेकिन ऐसे समय मैं बल्लभ भवन के इसी कमरे में नहीं बैठ सकता था बहनों और भाइयों, और इसलिए मैंने तय किया शांति बहाल करने के लिए मैदान में बैठूंगा। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से अपील करूंगा, मत करो ये हिंसा। 7.5 करोड़ नहीं कर रही, मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग, लेकिन वो भी तो अपने ही है, उनको कैसे मैं पराया कह चली। अगर कोई अपना भी कर रहा है तो उसको समझाना, उसको मनाना, उसको आग्रह करना कि मत करिए, कोई फायदा नहीं है। याद रखना मित्रों, अगर एक बार अराजकता की राह पे प्रदेश चला गया तो स्थितियां संभालना फिर हमेशा के बहुत मुश्किल हो जाएगी रे। किसी ने कह दिया कश्मीर में भी तो पत्थर चलते हैं, हम ऐसे पत्थर मध्य प्रदेश की छाती पर नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे।